Yeah. Yeah. Yes, guys, we are on Papa Sorry, and this is Lal Chowk, and we will have podcast with one traveler in India. He's traveling from Kanyakumari to Ladakh. He's traveling. This is the Lal Chowk, guys, and he's traveling here. So, guys, the guy is traveling like this, Kanyakumari to Ladakh, 4,000 to save environment, and the Indian trekkers, yeah. So, guys, we are going to have a podcast with this boy. And let's start this podcast. So, brother, what's your name? Rahul Singh. Brother, मैंने आपको देखा था यहाँ लाल चौक पे. You are cycling, right? Yes, sir. तो आप ये जो cycling वाली journey है, आपने कब start किया था? मैंने लगभग 2 महीने पहले start किया. 2 months पहले means exact date बता सकते हो? Exact date अब तो इतना नहीं, लेकिन 2 महीने पहले. 2 महीने पहले start किया. कहाँ से आपकी journey start हुई थी? कन्याकुमारी लास्ट पॉइंट से. स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल. So where is your hometown? Bihar. तो बिहार से आपने बिहार से जर्नी स्टार्ट किया होगा ना? हाँ, but उस टाइम हम जर्नी बस ट्रेन ये सब से थोड़ा ट्रैवल किया अपने ट्रैवल करते हैं. अच्छा. तो आपने मतलब कन्याकुमारी से आपने जर्नी अपने स्टार्ट किया साइकिल से. तो साइकिल आपने कहाँ लिया था? केरला में लिया था साइकिल. अच्छा, केरला में ही लिया था साइकिल. हाउ मच इट कॉस्टेड यू ब्रो? 8,000. एंड दिस हेलमेट? 200 का. साइकिल फ्रेम प्राइस ओनली 6,000 एंड एक्सेसरीज टोटल लेके 8,000. अच्छा. तो गाइस, वो ब्रदर का साइकिल है. अभी ब्रदर का जर्नी का एक्सपीरियंसेस लेंगे कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस फ्रॉम केरला टू. ब्रो, आप यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम केरला. केरला से मतलब केरला टू कन्याकुमारी बाई साइकिल, बट स्टार्टिंग जस्ट कन्याकुमारी टू लद्दाख. अच्छा लगा, नहीं तो केरला से स्टार्ट किया. केरला से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से लद्दाख. अच्छा. ओके. तो ब्रदर, आपने मतलब ट्रैवल कर लिया साइकिलिंग कन्याकुमारी से अभी तक? कितने दिन लगे आपको? आज 63 दिन हो जाए. 63 days हो चुका है. आप एक दिन में कितना, हाउ मेनी आवर्स यू ड्राइव डू साइकिलिंग? नो फिक्स, 6-8 कभी कभी 10, ऐसे फिक्स नो फिक्स. मतलब डिस्टेंस बता सकते हो कि एक दिन में कितना कवर कर लेते हो? प्लेन एरिया में लगभग 80 से 100 किलोमीटर, 120 और 150. अच्छा, फिक्स नहीं, ऐसे इधर 50-40-50. अच्छा, ऐसा है क्या? वाओ, बढ़िया. तो ब्रदर, मुझे आप ये बताइए कि ये जो साइकिलिंग वाला जो जर्नी कवर करना डिस्टेंस और मतलब ऑल इंडिया चलाना साइकिलिंग इज नॉट दैट इजी जॉब. आप कैसे कर रहे हो ये, मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन लिया आपने साइकिलिंग का? जैसे आप देखते होंगे साइकिल बाबा करके, काफी. आई डोंट नो हिम. तो उनसे थोड़ा मिला तो सोचे कि साइकिल से हम भी घूमते हैं. ऐसे लिफ्ट लेके ही चेकिंग करके ट्रेन से काफी घूम चुके थे, लगभग 26 स्टेट घूम चुके इंडिया के. अच्छा, उसके बाद वहाँ गए, सोचे साइकिल से घूमते, साइकिल से यहाँ. आपका एज क्या हुआ अभी? 22. So, are you graduated? मतलब graduate हो? BA second. मतलब आप कन्याकुमारी से अपनी जर्नी स्टार्ट किया, राइट? एंड मैं, आपने देखा होगा कि बहुत डिफरेंट पीपल से, डिफरेंट कल्चर वाले इंडियन से मिले होंगे आप. तो आप, आपको क्या क्या यूनिक लगा हर स्टेट के बारे में थोड़ा सा बताइए. केरला के बारे में बताइए, क्या आपको यूनिक लगा वहाँ का? ऐसे तो केरला में हम ज़्यादा लगभग 3 या 4 दिन रहे थे. अच्छा, लेकिन वहाँ का डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा लोगों में. अच्छा, कहीं भी कुछ भी खाना तो डस्टबिन में डालना. अच्छा, चाहे किसी भी चीज़ पे ओवर प्राइज नहीं, एंड सभी अपने डिसिप्लिन में रहते थे. मतलब किसी से बिना काम का बात नहीं करते हैं. तो दे स्पीक इन हिंदी और मलयालम? इंग्लिश एंड मलयालम. पंजाब से? आई एम फ्रॉम बिहार. यस ब्रदर, यू आर फ्रॉम? मैं यूपी से. यूपी से हो? क्या कर रहे हो यहाँ? जॉब करते हैं. केरला के बारे में आपने बता दिया, और उसके बाद बताओ कौन से स्टेट गए थे? उसके बाद तमिलनाडु गए. तमिलनाडु गए थे. तमिलनाडु में कितना दिन स्पेंड किया आपने? खाने पीने कैसे मैनेज करते हो साइकिलिंग? खुद कुकिंग भी करता हूँ. क्या बात कर रहे हो, कुकिंग का भी फैसिलिटी है आपकी साइकिल पे? बहुत बढ़िया है. मतलब पैसे बचाने हैं तो भाई ये सब करना पड़ा. तो ब्रदर, आप तमिलनाडु गए, तमिलनाडु में क्या आपने यूनिक चीज देखा वहाँ के लोगों के बारे में बताइए. वहाँ के लोग
जैसे हिंदी तो समझते नहीं, अच्छा वहाँ का अपना तमिल समझते हैं, हाँ, उसके बाद इंग्लिश जानते हैं, हाँ, तो एक लैंग्वेज का इशू, बट ऐसे काम इशारा में हो जाता था, पीपल हेल्प करता है, और पीपल ऐसा ना कि कोई आपको कुछ बोले, काफी हेल्प करेंगे, हाँ, समझेंगे भी नहीं कि क्या बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो हेल्प करते, क्या विल हेल्प, ओके ओके, मतलब यू हैव यू हैड वेरी गुड एक्सपीरियंस देयर, उधर का खाना का भी थोड़ा सा इशू लगा आपको, केले के पत्ते में खाना, फिर अगर आप खाना खाएं तो खुद डस्टबिन में वो पत्तल उठा के डालना, ये नहीं छोड़ नहीं सकते हैं, आप होटल में भी खाएं कहीं भी खाएं, अच्छा ऐसा होता रहा है, ओके, तो ब्रदर आप तमिलनाडु कवर कर दिया, उसके बाद कौन से स्टेट में गए थे? उसके बाद हम कर्नाटका में, कर्नाटका में गए, कर्नाटका के बारे में बताइए एक दो पॉइंट में, कर्नाटका में हम ज्यादा नहीं बेंगलुरु में एंटर किए थे, अच्छा बेंगलुरु में, उसके बाद हम हाईवे हाईवे निकल गए, एक्सपीरियंस कुछ लिए नहीं वहाँ का, वहाँ का नहीं ले पाए, फिर उसके बाद आंध्रा में आए, आंध्रा में आए, आंध्रा में आप पीपल के बारे में बताइए, आंध्रा पीपल के बारे में, वो भी जैसे काफी अच्छे थे, लेकिन तमिलनाडु में हमें काफी अच्छा लगा था, अच्छा। पता ना क्यों कनेक्शन हो गया था कि उन लोगों से, अच्छा, लेकिन आंध्रा वाला भी लोग काफी अच्छे थे, ऐसा हमें कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं, कोई ना अभी तक, मतलब आप साइकिलिंग कर रहे हो तो कुछ मतलब दिक्कत साइकिलिंग में, मतलब क्या क्या, आप मुझे ये बताओ कि साइकिलिंग में क्या क्या प्रिकॉशन ले जाना चाहिए, अगर कोई नया साइकिलिस्ट ट्रैवल करना चाहे इंडिया में तो क्या क्या उसको प्रिकॉशन लेना चाहिए, मतलब जर्नी स्टार्ट करने से पहले? एक तो साइकिल होना चाहिए, ओके, जो कि जब साइकिलिंग करेगा तो साइकिल जरूरी है जाना। तो मेंटेन कैसे करते हो, साइकिल खराब नहीं होता साइकिलिंग के दौरान? खुद बनाते ना, खुद बना लेते हो, जैसे मेन चीज जैसे, नहीं नहीं खुद आप कुछ भी करिएगा आदमी सीख जाता है, अच्छा जी, हम पहले पंचर उंचर बनाने का तो खुद बना देते क्योंकि कहाँ पंचर का दुकान मिलेगा, या इसलिए आप साइकिल लीजिए तो साइकिल पंचर किट ये सब जो होता कि जो जरूरत है वो, उसके बाद अगर आप होटल लेते हैं, हाँ, तो कोई नहीं होटल लीजिए, नहीं तो कैंपिंग टेंट रखिए अपने। आप डल लेक पे रुके थे आज रात को, राइट, ओके, तो ब्रदर आप मुझे ये बताओ कि लोगों को साइकिलिंग करना चाहिए, ट्रैवलिंग करना चाहिए इंडिया में आपके हिसाब से, करना चाहिए लोगों को, और लोगों को जैसा आप कर रहे हो सीखने को कुछ मिलता है क्या? हाँ सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सभी का दिमाग अलग अलग होता है, अच्छा, जैसे हमारा ट्रैवलिंग का माइंड है तो हम ट्रैवलिंग हमें अच्छा लगता है तो हम बताएंगे कि हाँ ट्रैवलिंग ही अच्छा लगता है, बट काफी लोगों को जैसे नहीं लगता है कि अरे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि फालतू का काम है क्यों कर रहे हो, लेकिन हमें लगता है कि नहीं काफी चीज सीखने के लिए मिलता है, फिर हमें अच्छा लगता है तो हमें करते हैं, करना भी चाहिए क्योंकि इससे आप काफी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी के आप जानते भी नहीं वो क्या है नहीं है, फिर भी आपका हॉरिजन वाइड हो जाता है, मतलब सोचने का मतलब तरीका, मतलब आप नैरो माइंड सेट नहीं रखते, राहुल सिंह से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, इनका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ पापा सॉरी पे, और इनका काफी वास्ट एक्सपीरियंस है गाइस ट्रैवलिंग में, काफी स्टेट कवर कर चुके हो ब्रो। आंध्रा के बाद कहाँ गए थे आप? आंध्रा के बाद तेलंगाना गए, तेलंगाना गए थे, तेलंगाना के बारे में बताओ एक दो पॉइंट में। तेलंगाना वही वहां से थोड़ा लैंग्वेज हिंदी समझने लगा था लोग, नहीं तो हमें तो ऐसे ट्रैवलर कोई परेशान नहीं करता। अच्छा तेलंगाना से कहाँ गए थे? एमपी एंटर किए, नहीं तेलंगाना से महाराष्ट्र एंटर किए, तेलंगाना से महाराष्ट्र एंटर किया, फिर महाराष्ट्र से एमपी, एमपी किए, फिर एमपी से यूपी किए, फिर एमपी राजस्थान, अच्छा फिर दिल्ली, अच्छा हरियाणा दिल्ली, फिर हरियाणा पंजाब, हाँ जम्मू, हिमाचल आया, इधर है कश्मीर। तो ब्रदर आपके मम्मी पापा ने अलाउ कर दिया क्या ट्रैवलिंग के लिए आपको? नहीं नहीं पहले तो अलाउ नहीं किए थे, लेकिन फिर दो चार दिन मना किए नहीं करो नहीं करो, फिर हम किए तो फिर वो भी बोले कोई ना करो कुछ गलत काम नहीं करना। यस ब्रदर थैंक यू फॉर कमिंग ऑन पापा सॉरी, और आपने रियल एक्सपीरियंसेस बताया पापा सॉरी पे, उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा, और आपने टाइम दिया यहाँ पे इतना आसान नहीं है लोग अपने बिजी मतलब अपने ट्रैवलिंग के टाइम से आपने टाइम निकाल के पापा सॉरी पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा ब्रो।